अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांद फरीद और आप देख रहे हैं मून फॉर आईटी पीपल्स। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है ग्रुप वेयर। हम बात करेंगे ग्रुप वेयर क्या होता है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड में किस किस प्लेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर का हमें नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो भी कम होगा काम होगा, जो भी हम टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो एक ग्रुप की शक्ल में परफॉर्म करेंगे। कोई भी इंडिविजुअल काम हम इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हम अपनी क्लासेस लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, एक ग्रुप होता है ना क्लास का, कोई भी क्लास लेते हैं तो उसमें 10, 20, 15, 20 लोगों का एक ग्रुप होता है और फिर फिजिकल तौर पर हम एक ग्रुप फिर क्रिएट करते हैं और एक स्पेस पे जाके हम क्लास लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन ग्रुप वेयर भी होते हैं कि आप ऑनलाइन कोई मीटिंग अगर आपने करनी है या आपने ऑनलाइन कोई लेक्चर अटेंड करना है या कोई भी आपका जो काम है आपके रिलेटेड है आपने ऑनलाइन करना है और मल्टीपल लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना एक ग्रुप बनाएंगे और वो अपना वो काम और वो अपने डिस्कशन करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्रुप फेयर। तो नेक्स्ट इसको हम स्टडी करते हैं, हमें मजीद पता चलेगा कि ग्रुप फेयर क्या होता है और इसमें कौन कौन सी टर्म हम यूज करते हैं। ग्रुप फेयर इज सॉफ्टवेयर डेट इज यूज फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, की ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से एक जूम एप्लीकेशन है वो भी एक सॉफ्टवेयर है, गूगल का है गूगल मीट, ठीक है, उन सबको हम यूज करके एक वर्क ग्रुप बनाते हैं और उसके थ्रू हम अपना कोई भी काम जो ज्यादा लोगों का होगा, 2, 4, 5, 7, 10 लोग होंगे कोई काम करना चाह रहे होंगे, हमारी जो टीम होगी उसके रिलेटेड वो उस काम को परफॉर्म करेगी, उस वर्क ग्रुप को, उस ग्रुप वेयर को यूज करके हम अपनी वॉइस, अपने मैसेजेस, अपने ऑडियो सारा कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। इट इज यूज ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, कि जाहिर सी बात है कि एक सॉफ्टवेयर है तो हम इसको किसी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर यूज करेंगे, कंप्यूटर को यूज करके एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे और उस ग्रुप में जितने भी हमारे लोग होंगे वो उस नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे और आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट ग्रुप वर्किंग, क्योंकि ये एक ग्रुपवेयर है जिसमें मल्टीपल लोगों ने आना है और आके अपनी डिस्कशन करनी है। कुछ स्पीकर होंगे वो अपनी बात करेंगे, कुछ लिसनर होंगे वो अपनी बात सुनेंगे, तो ये एक क्या है? वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट ग्रुप वर्किंग, कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ये इस चीज को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है कि इसमें मल्टीपल यूजर ने आना है, मल्टीपल यूजर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, कुछ को कुछ तरह का इंटरफेस चाहिए होगा, कुछ को कुछ तरह का इंटरफेस चाहिए होगा, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये सबकी विशेष को, सबकी ख्वाहिशात को देखकर, उनकी यूजर की रिक्वायरमेंट को देखकर बनाया जाता है। रिसर्चर बिजनेसमैन यूजेस इट फॉर शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, के जो रिसर्चर्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं उन्हें जब भी अपने बिजनेस में, बिजनेस के रिलेटेड, अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है या अपने दूसरे क्लाइंट के साथ या अपने दूसरे ऑफिस के ऐसे लोगों के साथ जो सेम प्लेस पर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इस ग्रुप फेयर को यूज करते हैं, इसकी साथ ज्वाइन करते हैं और अपनी बिजनेस की जो डिटेल होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ग्रुप फेयर में एक टर्म यूज होती है CSCW, ये स्टैंड फॉर है कंप्यूटर कोऑपरेटिव वर्क, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह की फील्ड है जो ग्रुप फेयर के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको सपोर्ट करती है, उसको इस तरह से करती है कि आप कोई भी काम एक ग्रुप में किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और उसको हम काम को किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं और उसमें मजीद बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इट इज फील्ड ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट वर्क टूगेदर नॉट वन साइडेड, कि ये इस तरह की फील्ड है जो कि कंप्यूटर पे कोई भी काम है वो मिलकर काम करने को सपोर्ट करता है, ना नहीं इस चीज को सपोर्ट करता कि आप इंडिविजुअल तौर पर अकेले कोई काम को परफॉर्म करो। कोऑपरेटिव वर्क नीड, इसमें कोऑपरेट की जरूरत होती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक बंदे को नहीं पता होता, उसका मल्टीपल लोगों के पास थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन होता है तो उसको आपको कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर मैं अकेला कहूँ कि मैं इसको सोल्व करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, मैं एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ लेकिन मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, एक बंदा है उसको फ्रंट एंड की कोडिंग आती है लेकिन उसको बैक एंड का कुछ नहीं पता, एक बंदा है उसको बैक एंड की कोडिंग आती है, उसको डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं पता, इसी तरह से एक बंदा है उसको SEO का पता है बाकी चीजों का नहीं पता। तो जब तक हम सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नहीं करेंगे, कोऑपरेट करके मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी वेबसाइट, एक रीजनेबल वेबसाइट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक कोऑपरेटिव वर्क की जरूरत होती है, हम कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ करेंगे तो हम एक अच्छी वेबसाइट बिल्ड कर पाएंगे। तो ग्रुप वे इसमें CSCW जो है ये वाली चीजें यूज करता है, एथनोग्राफी डिजाइन यूज करता है, टेक्नोलॉजी इसमें डिवाइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, इंटरेक्शन इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें आप इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ग्रुप वेयर इज इम्पोर्टेंट, कि ग्रुप वेयर हमें क्यों जरूरत पेश आई, ग्रुप वेयर क्यों अहम है हमारे लिए इतना। फॉर ग्रुप विथ कॉमन इंटरेस्ट, कि जिस हम इसलिए ग्रुप वेयर क्रिएट करते हैं कि जिसमें हम सबका इंटरेस्ट, हम सबका मुफाद, एडवांटेज सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी क्लास लेते हो ऑनलाइन, फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, मल्टीपल लोग एट अ टाइम पर उसको कनेक्ट करके उसको यूज करते हैं, उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो सारे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। सबका इंटरेस्ट क्या है? कॉमन इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना। तो एक ग्रुप वेयर को वो ज्वाइन करते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं। बेटर कस्टमर सर्विसेज, कि ग्रुप वेयर आप इसलिए भी क्रिएट करते हो कि आप कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग प्लेसेस होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया होता है, आप उसको भी एज अ ग्रुप वेयर के एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वो अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसमें शेयर करते हैं, उसके उसमें जो भी उसकी प्राइसेस होती है इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और अपनी चीज़ों की मजीद एफिशिएंट बना के उसको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और उसके बारे में अपनी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इसकी और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आजकल मल्टीपल जो स्कूल है उन्होंने भी हर स्कूल ने हर क्लास के बच्चों का पेरेंट्स का ग्रुप बनाया होता है, ताकि बच्चों को के जो पेरेंट्स हैं उनको पता चलता रहे कि उनके जो बच्चे हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है स्कूल में, वो अपने उन बच्चों के पेरेंट्स को बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कट डाउन ट्रेवल कॉस्ट एंड टाइम कॉस्ट, के पे अगर आपने फिजिकल ग्रुप बनाया, फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्लेस है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उधर जाके कोई मीटिंग अटेंड करनी है ग्रुप की शक्ल में, तो आपको ट्रैवल करोगे उस पर भी आपकी कॉस्ट आएगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन बट अगर आप कोई ऑनलाइन ग्रुप वेयर यूज करते हो, आप अपने घर पे बैठ के किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पे कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, तो उस तरह से क्या होगा कि आपकी जो ट्रैवल कॉस्ट है वो भी नहीं आएगी और का जो आपका टाइम होगा वो भी कंज्यूम नहीं होगा। फैसिलिटेटेड ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये जो ग्रुप वेयर है, जो ग्रुप में प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो क्या करता है कि आपको सॉल्विंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एक ग्रुप ऑनलाइन ग्रुप वेयर बनाते हो और डिफरेंट प्लेसेस से आपके जो होते हैं मेंबर वो उसको ज्वाइन करते हैं, और उसके जो प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड जो भी जिसके पास सजेशन हो वो अपनी सजेशन देता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। तो ग्रुप वेयर के सम ड्रॉबैक्स, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक मल्टीपल यूजर, कि इसमें मल्टीपल यूजर होते हैं, जब भी आपने कोई ग्रुप वेयर बनाते हैं उसमें मल्टीपल यूजर कनेक्ट करते हैं, एक फॉर एग्जांपल लाहौर में है, एक आपका फैसलाबाद में है, कराची से है, तो मल्टीपल जगह से लोग उसको कनेक्ट करेंगे। किसी का सिस्टम डिसकनेक्ट हो रहा है, किसी का नेटवर्क नहीं चल रहा, किसी के इंटरनेट की स्पीड स्लो हो रही है, तो ये सारे इसमें इशू होंगे। मल्टीपल यूजर होंगे, मल्टीपल यूजर की जो रिक्वायरमेंट होगी, जरूरियात होगी, वो डिफरेंट होंगी। किसी के पास स्मार्टफोन होगा, किसी के पास लैपटॉप होगा, तो ये सारे इशू भी इस ग्रुप वेयर के साथ होते हैं। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर नो फिजिकल, कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल होता है, कि आप एक मीटिंग अटेंड की है, आप एक फिजिकल मीटिंग है, उसमें आपका एक बॉस बैठा है और सारे क्लाइंट जो है आपके एम्प्लॉय वो आपके सामने बैठे हैं, तो सबका आपको पता चलता है कि आपको कौन कैसे आपकी बात को सुनता है। लेकिन जैसे ही आपने वर्चुअल ग्रुप फेयर पे आते हो तो हर कोई ऑनलाइन होता है, तो आपको नहीं पता कोई आपकी बात को कितना सीरियस ले रहा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा। तो नेक्स्ट है कि नेटवर्क, आपको इसके लिए एक नेटवर्क भी अच्छा खासी हैवी नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है कोई भी ग्रुप फेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट है ग्रुप फेयर को उसने क्लासीफाई किया कि डिफरेंट टाइम चीज़ों में क्लासीफाई किया कि किस तरह से हम ग्रुप फेयर को डिफरेंट तरह से फिजिकल और ऑनलाइन डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको टाइम और प्लेस के लिहाज से देखते हैं कि सेम टाइम और सेम प्लेस वाला ग्रुप वेयर कौन सा होता है। सेम टाइम और सेम प्लेस वाले ग्रुप वेयर को सिंक्रोनियस कहते हैं, और इसकी एग्जांपल है वोटिंग प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल जब कोई भी वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, तो एक पोलिंग बूथ जो होता है वो डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि उसके पे इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, ठीक है। तो सब लोग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक उधर वोटिंग करेंगे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, ठीक है, कि 8 बजे से 4 बजे तक उसका टाइम हो गया, और जो इलेक्शन बूथ होगा उधर वो जाके वो अपनी वोट कास्ट कर सकेंगे। और ये फिजिकल होगा, और ये जो ग्रुप वेयर हमारा होगा ये फिजिकल होगा, ठीक है। दूसरा कि टाइम सेम टाइम टाइम तो हमारा सेम होगा, बट जो प्लेस होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपकी मीटिंग है उसका एक टाइम होता है, किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे आपने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वो मीटिंग अटेंड करनी है, जूम पर, गूगल मीट्स पर, या किसी और सॉफ्टवेयर पर। तो टाइम तो 8 बजे से 10 बजे तक आपका सेम टाइम सेम होगा, बट डिफरेंट प्लेस होगी। आप अपने घर बैठ के उसको अटेंड करोगे, आपका जो दूसरा स्टूडेंट है या कोई आपका एम्प्लॉय है वो अपने घर बैठ कर अटेंड करेगा, इस तरह ए बी सी डी जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं उनका टाइम तो सेम होगा, बट जो प्लेस होगी
वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट इसकी टर्म आती है डिफरेंट टाइम सेम प्लेस, कि आपका जो टाइम होगा वो तो डिफरेंट होगा बट जो प्लेस होगी वो सेम होगी। इसमें क्या होता है कि आपके जो शेयर्ड कंप्यूटर आपके और जो रिसोर्स होते हैं वो आपको शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका टाइम डिफरेंट होता है और प्लेस जो होती है वो सेम प्लेस होती है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक आपकी कंप्यूटर की क्लास है, उसमें 40 स्टूडेंट हैं और आपके पास सिस्टम 20 है, तो आप क्या करेंगे? अब 40 स्टूडेंट हैं, सिस्टम 20 है, एट अ टाइम पे वो नहीं यूज कर सकेंगे, तो आप उनके दो ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप 8 से 10 यूज करेगा और दूसरा ग्रुप भी 10 से 12 यूज करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो प्लेस है कंप्यूटर लैब है स्कूल की, वो तो सेम प्लेस पे है, ठीक है, बट आपने उनके ग्रुप बना के उनका टाइम डिफरेंट कर दिया, एक का टाइम 8 से 10 कर दिया और दूसरा 10 से 12 कर दिया। और ये भी जो हमारी टाइप है ये भी हमारे पास फिजिकल में आएगी। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस, कि इसमें आपका टाइम भी डिफरेंट होगा और आपकी जो प्लेस होगी वो भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये भी ऑनलाइन की टाइप है कि आपने किसी को ईमेल करते हो या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हो, तो उसका जरूरी ये नहीं कि जिस जब आपने सेंड किया अगला बंदा उसी वक्त वो मैसेज देखे, वो जब फ्री होगा वो मैसेज देखेगा आपको रिप्लाई भी कर देगा, ठीक है। तो वो जो ग्रुप ज्वाइन किया होता है या जिसकी आपके पास ईमेल होती है वो डिफरेंट प्लेस पे होती है, तो इसका क्या है कि आपको डिफरेंट टाइम होता है और जो आपकी प्लेस होती है वो भी डिफरेंट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।